हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? कल आप लोगों का टेस्ट हुआ। टेस्ट में कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मतलब जितनी हम उम्मीद उनसे लगाए बैठे थे, उतनी उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स रहे हैं ना बेटा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर, अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास में आप सेंड करेंगे, ठीक है? जितने भी आपके डाउट रहे हैं, 15 क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस में जो जो आपके डाउट रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे पास में सेंड करेंगे। फिर मैं कल एक क्लास बनाऊंगा उसके ऊपर, और जितने भी आप लोगों के डाउट रहे हैं उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है? ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में ये बनाया था बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो कुछ इस तरीके से सॉल्व किया था। ये हमने प्रूव किया था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई 16 पाई एप्साइलन नॉट एम जी साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा एल स्क्वायर। ये हमने यहाँ से चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, ठीक है? अब अगला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वो बिल्कुल इसी तरीके से है। आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों की लेंथ सेम है। द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं। व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, द एंगल रिमेन्स द सेम। वॉट इज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सीसी। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है? सबसे जरूरी होता है फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन को पढ़कर उसे समझना, और उसे समझकर एक डायग्राम प्लॉट करना अपने सामने। अगर आप इतना काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर मैं ये मानता हूं कि आधी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो गई। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है? देखो, पहली जो कंडीशन है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास में वो ये है बेटा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है? दो स्ट्रिंग है हमारे पास में कुछ ऐसे, ये दो स्ट्रिंग है, यहाँ एक बॉडी है और अपने पास में यहाँ एक बॉडी है, ठीक है? इनके जो बीच का एंगल है वो 30 डिग्री है, स्ट्रिंग्स के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये दोनों बॉडीज़ अभी एयर में है बेटा, ये दोनों बॉडीज़ अभी एयर में है, ऐसे एयर में है। हमने माना कि यहाँ चार्ज है +Q1, यहाँ चार्ज है +Q2, समझ रहे हो आप लोग? यहाँ चार्ज है +Q1 और यहाँ चार्ज है +Q2। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में। सेकंड कंडीशन हमारे पास में ये बनी कि हमने बिल्कुल इसी सिस्टम को उठाकर एक लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड करा दिया, यानी इन दो बॉडीज के बीच में हम एक लिक्विड लेकर आ गए बेटा। यहां पर, यहां ना, इस वाली कंडीशन में, यहां पर हम एक लिक्विड लेकर आ गए हैं, लिक्विड लिक्विड। उस लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। यहां के चार्ज के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, +Q1, यहां का चार्ज +Q2, और ना ही इनके बीच के एंगल में कोई चेंज हुआ। ये एंगल है 30 डिग्री। जो लिक्विड मैं यहाँ लेकर आया हूँ, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है रो, वो आपको दे रखी है 0.8 ग्राम पर सीसी। जो लिक्विड मैं यहाँ लेकर आया हूँ उसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सीसी, और इस बॉल की जो डेंसिटी है वो है 1.6 ग्राम पर सीसी। बॉल की डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखा रहे हैं और लिक्विड की डेंसिटी को हम रो से दिखा रहे हैं। ये है क्वेश्चन बेटा हमारे पास में। स्टार्टिंग में ये सिस्टम ऐसा था, इनके बीच में एयर थी, कुछ नहीं था, और दोनों इक्विलिब्रियम में थे, ऐसे दोनों इक्विलिब्रियम में थे। यहाँ पर भी दोनों इक्विलिब्रियम में है, यहाँ इनके बीच का एंगल 30 डिग्री, यहाँ भी इनके बीच का एंगल 30 डिग्री। फर्क सिर्फ दोनों कंडीशन में इतना है कि यहाँ दोनों बॉडीज के बीच में क्या है, एयर, और यहाँ दोनों बॉडीज के बीच में है लिक्विड, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमें निकालना।
सबसे पहले आप ये देखो कि अगर दो बॉडीज ऐसे इक्विलिब्रियम में होती हैं तो उसके लिए इक्वेशन हम क्या लिखते हैं। अगर दो बॉडीज ऐसे इक्विलिब्रियम में होती हैं तो उसके लिए इक्वेशन हम क्या लिखते हैं। देखो बेटा, होगा क्या, ये प्लस क्यू वन इस प्लस क्यू टू को रिपेल करेगा इधर, मास इंटू ग्रेविटी काम करेगा नीचे। बेटा समझना पड़ेगा बहुत ध्यान के साथ में, ये पूरा एंगल 30 डिग्री है तो आधा एंगल हो गया हमारे पास में 15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी होगा 15 डिग्री। मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को, यहाँ टेंशन काम करेगी टी, ये टी, ये 15 डिग्री, इधर काम करेगा टी कॉस 15 और इधर काम करेगा अपने पास में टी साइन 15, इधर काम करेगा टी साइन 15, रिपल्शन फोर्स इधर काम करेगा प्लस प्लस इसे इधर रिपेल करेगा, टी कॉस 15 ऊपर काम कर रहा है, एम जी नीचे काम कर रहा है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो होगा क्या बेटा, टी साइन 15 एफ को बैलेंस करेगा, टी साइन 15 इज बैलेंसिस बाय एफ एंड टी कॉस 15, टी कॉस 15 को बैलेंस करेगा एम जी, टी कॉस 15 को बैलेंस किया एम जी ने। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, टी से टी कैंसिल आउट, साइन 15 अपॉन कॉस 15, ये हो गया हमारे पास में टेन 15, यहाँ हो गया एफ अपॉन एम जी, सो फोर्स इज इक्वल टू एम जी टेन 15, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास में इस कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको निकालना सिखाया था कि कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बन गई हमारे पास में, एफ इज इक्वल टू एम जी, एम यानी मास, जी यानी ग्रेविटी और साथ में है 10, 15, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री का एंगल था हमारे पास में। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, देखो यहाँ दोनों चार्जेस के बीच में है लिक्विड, अगर दोनों चार्जेस के बीच में लिक्विड है तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, लेकिन फोर्स काम करेगा एफ डैश, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कंडीशन आपके सामने कुछ ऐसी बनेगी, एफ डैश इज इक्वल टू, ध्यान से, एफ डैश इज इक्वल टू, जैसे यहां बना है ना एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, यहां बनेगा एफ डैश इज इक्वल टू एम जी, नहीं बनेगा इस बार एम जी, क्यों नहीं बनेगा, हम इलेवेंथ क्लास में पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर है तो उसका जो मास है वो mg ना रहकर वो इतना हो जाता है mg 1 माइनस के रो अपॉन सिग्मा, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, ये चीज हमने 11th क्लास से उठाई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबी हुई है, तो उसका वेट मास इनटू ग्रेविटी नहीं रहेगा, उसका वेट इतना हो जाएगा mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। यहाँ ये बॉडी एयर में थी तो इसका वेट है mg, यहाँ ये बॉडी लिक्विड में डूबी हुई है तो इसका वेट mg नहीं रहेगा, इसका वेट हो जाएगा mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा और साथ में वही 10 15 डिग्री रहेगा हमारे पास में ये। अच्छा f डैश क्या है, f डैश है इन दोनों बॉडीज के बीच में काम करने वाला फोर्स जब इनके बीच में लिक्विड है। अब आप जानते हैं एयर में फोर्स ज़्यादा काम करता है और लिक्विड में कम फोर्स काम करता है, एफ डैश जो है ना बेटा वो लिक्विड में काम कर रहा है, एफ डैश जो काम कर रहा है वो लिक्विड में काम कर रहा है, तो एफ डैश को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन के, एयर में काम करने वाले फोर्स को अगर के से डिवाइड करेंगे तो एफ डैश बन जाएगा, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप लोग। एफ डैश का मतलब है लिक्विड में, जब इन दोनों के बीच में लिक्विड है तो कितना फोर्स काम कर रहा है वो एफ डैश है, और एफ डैश को मैं लिख सकता हूँ एफ अपॉन के। अब आप ये देखो, ये है एम जी और ये है 10 15, एम जी 10 15, एम जी 10 15 को हम एफ लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने यहाँ एफ, सिग्मा यहाँ आ जाएगा रो यहाँ, सिग्मा माइनस के रो डिवाइडेड बाय सिग्मा, एलसीएम ले लिया बेटा मैंने, एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन के इज इक्वल टू सिग्मा मुझे दे रखा है 1.6 माइनस रो दे रखा है 0.8 अपॉन में है 1.6, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके k
के की जो वैल्यू निकल कर आएगी, देखो कितनी निकल कर आएगी, के निकल कर आएगा हमारे पास में 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो 2 के बराबर होगा, यानी ये जो लिक्विड मैंने यहाँ भर रखा है ना, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने वाला है वो 2 के इक्वल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ कंडीशन लगाई बेटा, फॉर्मूला बन गया हमारे पास में फोर्स इज इक्वल टू mg tan थीटा। अब आगे से जब भी ऐसा सवाल हमारे पास में आएगा ना कि दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स इज इक्वल टू mg tan थीटा। यहाँ दो बॉडीज़ के बीच में एयर थी तो ये फार्मूला बन गया mg tan थीटा, यहाँ दो बॉडीज़ के बीच में लिक्विड था तो फार्मूला बन गया हमारे पास में ये F/K F 1-K ρ/σ। ये 1-K ρ/σ कहाँ से आया, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, जब बॉडी एयर में होगी तो उसका वेट होगा mg, और जैसे ही बॉडी को उठाकर हम किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करा देंगे, किसी लिक्विड के अंदर डुबो देंगे, तो लिक्विड में डुबोने के बाद में बॉडी का वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, जो इतना हो जाता है mg 1-ρ/σ। रो का मतलब है लिक्विड की डेंसिटी, जो दोनों बॉडीज के बीच में मैंने लिक्विड भरा है ना उसकी डेंसिटी को कहेंगे रो, और सिग्मा का मतलब है बॉडी की डेंसिटी, जो बॉडी की डेंसिटी होगी वो हमारी सिग्मा कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई हो बात, आगे कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास में आएंगे जिनसे आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और आगे से ध्यान रखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे फोर्स इज इक्वल टू mg tan थीटा। ये फॉर्मूला एयर में लगाया जाएगा, एयर में, और अगर लिक्विड में होगा तो mg 1-K ρ/σ फिर tan थीटा। ठीक है, करिए नोट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, खुद एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो हम दोबारा से बताएंगे आप लोगों को बेटा। ठीक है, ये था क्वेश्चन k की वैल्यू 2। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी सभी लोगों को बात। अब आते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ठीक है, देखो यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे ना, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, जो टॉपिक हमारा 10 दिन या 15 दिन में ख़त्म होना चाहिए वो 20 दिन में ख़त्म होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है मेरे पास में। ठीक है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल्ड में जाकर पढ़ें, बहुत डिटेल्ड में, आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ करना ना पड़े, सभी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ सॉल्व कराएं बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या है बेटा, जरा समझिएगा। 1 ग्राम ऑफ ए सॉलिड, देयर आर 5×10^21 एटम्स, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ 0.01% एटम इफ द सॉलिड, फाइंड द चार्ज गेन बाय द सॉलिड। पहले सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की आप कोशिश करिए भाई, प्रॉब्लम की लैंग्वेज में ये कह रखा है कि ये हमारे पास में है 1 ग्राम ऑफ ए सॉलिड, देयर आर 5×10^21 एटम, ये हमारे पास में इतने एटम हैं 5×10^21 एटम। ठीक है, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ 0.01% एटम, सबसे पहले इसका 0.01% निकालिए आप, इसका 0.01% निकालिए। जब इसका 0.01% निकालेंगे, 0.01% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 5×10^21 से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो इसका जो 0.01% है वो निकल कर आएगा इतने एटम, 0.01% इतने एटम निकल कर आया बेटा हमारे पास में। उसने कहा कि टोटल एटम इतने हैं और इतने एटम का इतने परसेंट, तो इतने एटम का 0.01% इतना हो गया। अब आप देखो, अगर एक एटम से इतने एटम के अंदर से एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकले भाई। मान लो मेरे पास में 10 एटम है और 10 एटम में से हर एक एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 10 एटम है
तो 10 एटम 10 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर मैं हर एक के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो इतने एटम के अंदर से अगर मैंने हर एक के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास में 5 × 10⁻¹⁷ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई मेरे पास में। बात समझ में आ रही है? और आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग चार्ज का फॉर्मूला है प्लस, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास में 5 × 10⁻¹⁷, और इसकी वैल्यू है आपके पास में, ये मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा। एक बार और समझ लीजिए आप ध्यान से, 1 ग्राम की बात हो रही है, इसका कोई यूज नहीं है। आपके पास में इतने एटम है, 5 × 10⁻²⁰ एटम। हमने इसका 0.01% निकाला, 0.01%, इसका 0.01% इतने एटम आ गया। पहले इतने एटम का 0.01% निकाल दो। कैसे? 0.01 ÷ 100 मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी। ये इतने एटम के परसेंटेज निकालने का तरीका है। इतने एटम आ गए मेरे पास में। अब एक एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो इतने एटम के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? इतने एटम के अंदर से इतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो। तो एन आ गया आपके पास में इतना। चार्ज निकालने का फॉर्मूला है Q = ne, मल्टीप्लाई करेंगे आपकी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हों। कूलम्स लॉ के ऊपर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, और उम्मीद है कि धीरे धीरे आप कूलम्स लॉ को पकड़ रहे होंगे और इसके प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, ओके। सबसे अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और देखिए हमारे पास में ये PDF हमारी फिनिश हो गई है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या है बेटा प्रॉब्लम्स हमारे पास में। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में अब ये है कुछ प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा आप लोग समझिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास में बना, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बात समझ में आएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखो बेटा, आइए अब आपने नोट कर लिया होगा, और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, 2 pitch balls कैरिंग अ इक्वल चार्जेस, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दोनों को लटका रखा है हमने, बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अब जैसे ही ये वर्ड तुम सुनोगे ना इक्विलिब्रियम, एकदम से दिमाग में झन्नाटे आने चाहिए कि यार इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडीज फिक्स है। और याद करो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, F = mg tan थीटा, मास ग्रेविटी टेन थीटा, ये हमारा इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन आपको दे रखी है आर। जब ये दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, यानी यही लटक रही है, तो इनके जो बीच का गैप है वो आपको दे रखा है आर। Now the strings are rigidly clamped at the half height, the equilibrium separation, यानी अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर आधी डिस्टेंस पर लेकर आ जाए, तो हमारी इक्विलिब्रियम सेपरेशन हो जाती है R डैश। कितनी हो जाती है? R डैश। ये पूरी डिस्टेंस है y, और ये डिस्टेंस हो गई y/2। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये R डैश कितना होने वाला है। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो बेटा कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, जरा समझिएगा। सबसे पहले आप ये देखो, मैंने इस एंगल को लेट कर लिया है थीटा, समझ रहे हो, और मैंने इस एंगल को लेट कर लिया है थीटा डैश।
थीटा डैश, ये एंगल मैंने मान लिया है थीटा डैश, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अब आपको समझ आना चाहिए बेटा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा mg, ये प्लस इस प्लस q को रिपेल करेगा इस तरफ, एफ फोर्स लगाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला है mg tan थीटा। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब दोनों बॉडीज के बीच में एयर होगी, ठीक है। एफ क्या है भैया? एफ है इनके बीच में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं एफ को लिख सकता हूं, मैं एफ को लिख सकता हूं 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। क्यू इंटू क्यू, इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर। यहां मेरे पास में आएगा एम जी और यहां आएगा मेरे पास में टेन थीटा। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी बात। अब यहां आते हैं बेटा, ये भी इक्विलिब्रियम में है, बोलो है या नहीं है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। यहां का चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच में एयर, और यहां का चार्ज भी प्लस क्यू। नीचे की तरफ काम करेगा mg, प्लस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ एफ फोर्स लगाकर। अब आप देखो कि इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कितना होगा, 1/4πε0। यहाँ चार्ज कितना है q, यहाँ चार्ज कितना है q, q इंटू q, और इनके बीच का गैप कितना है r डैश। तो ये हो गया r डैश स्क्वायर। इनके बीच में एयर है तो यहाँ भी आएगा mg, लेकिन इस बार एंगल सेम नहीं है तो आएगा tan थीटा डैश। हमने फॉर्मूला लगाया फोर्स इज इक्वल टू mg tan थीटा। हमने जो फॉर्मूला लगाया है ना बेटा इक्विलिब्रियम के लिए, वो ये फॉर्मूला लगाया है F इज इक्वल टू mg tan थीटा। F है इनके बीच में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मास है इसका मास, g हो गई ग्रेविटी, और थीटा हो गया ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। दो अलग अलग कंडीशंस में, इसमें अलग सिचुएशन बनाई, इसमें अलग सिचुएशन बनाई। अब आप इन दोनों को अलग अलग इक्वेशन मानकर ना डिवाइड कर दो, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, और इन्हें अलग अलग इक्वेशंस मानकर आप डिवाइड कर दीजिए बेटा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आर डैश का ऊपर स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर, और नीचे आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी से एम जी कैंसिल आउट। यहाँ बनेगा हमारे पास में टेन थीटा, और यहां बनेगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू। अब आप देखो tan थीटा कितना होगा, ये थीटा है, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास में r बाय टू, और ये है आपके पास में y। कोई भी बच्चा बड़े आसानी से जानता है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा को हम लिख सकते हैं r बाय टू वाई। समझ में आ गई बात? अब देखो tan थीटा डैश को हम क्या लिखेंगे, ये एंगल है थीटा डैश अपने पास में, थीटा डैश को हम लिखेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में r डैश बाय टू, और ये है अपने पास में y बाय टू। tan थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, r डैश बाय टू को y बाय टू से डिवाइड करेंगे, टू से टू डिवाइड हो जाएगा, यहां जाएगा r डैश अपॉन y। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, y से y कैंसिल आउट, r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आ गया हमारे पास में r अपॉन टू r डैश। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहां तो ये बन जाएगा 2r डैश की होल पावर 3, ये r की होल पावर 3, सो r डैश की पावर 3 r की पावर 3 अपॉन 2। अगर r डैश निकालना है तो इधर 3 से इधर 1/3 पहुंच जाएगा, और ये बन जाएगा r की पावर 3 की होल पावर, r की पावर 3 अपॉन 2 की होल पावर 1/3। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा, यानी ये जो r डैश रहने वाला है इसकी वैल्यू हमारे पास में इतनी रहेगी। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम बनाई है, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन जो बच्चे बोर्ड के लिए, ओनली बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है,
ये क्वेश्चन उनके लिए हैं जो बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चे जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे नीट और जेई को बेस मानकर प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये सभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी और कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में है दोनों बॉडी, इक्विलिब्रियम में, तो फॉर्मूला आप ये लगाने वाले हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। एफ का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है, एम जी हो गया है मास इंटू ग्रेविटी यानी वेट, एयर में कितना वेट है या कहीं और कितना वेट है, और थीटा का मतलब है ये टेन के साथ थीटा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट आप लोगों का ज़रूर क्लियर हुआ होगा इस पॉइंट से जो मैंने आपको बताया है अभी। जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर आप रिपीट करके ज़रूर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट कर करके आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस होगी बेटा। जितना रिपीट आप क्वेश्चंस को करेंगे उतना बढ़िया प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, ठीक है। तो क्वेश्चंस को रिपीट आप लोग ज़रूर करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। एक बार अपने आप क्वेश्चन को करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। यहाँ आप लोगों को हमने बताया कि कंसेप्ट लगेगा F इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, ये हो गया है थीटा, और इनके बीच में काम करने वाला फोर्स हो गया है F, ये एंगल है थीटा डैश। यहाँ फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा डैश। समझ में आ रही बात? ओके, इस हिसाब से आप क्वेश्चन बनाइएगा बेटा। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसे ही हैं जिस तरीके से हमने आपको प्रॉब्लम बताई है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी जितनी कंडीशंस हमने आपको यहाँ बताई हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चंस की और हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ना आप नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, कैसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। वैसे तो हम ये मानकर चलते हैं कि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो सेम होगा, लेकिन उसने यहाँ क्वेश्चन में कह दिया कि मान लो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा अंतर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना है और प्रोटॉन का चार्ज इतना है, ओके। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज जीरो, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आपको बताना है कि डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप कॉपी में अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। किसी भी एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है कि आप एकदम से बना दोगे जब तक आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी जानकारी ना हो। बेटा बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन एटम में एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। एक और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम में एक तो होगा इलेक्ट्रॉन और एक होगा प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
इनके बीच का जो गैप आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है आर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ का चार्ज कितना होगा। देखिए उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई। माइनस ई से प्लस ई कैंसिल आउट, चार्ज निकल गया डेल्टा ई। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई। माइनस ई से प्लस ई कैंसिल आउट, चार्ज निकल गया है डेल्टा ई। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी बात। सबसे पहले आप ये देखो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, 1H1। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इस हाइड्रोजन एटम पर इतना चार्ज और इस हाइड्रोजन एटम पर इतना चार्ज, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो इतना काम करेगा, 9×10⁻¹। यहाँ का चार्ज डेल्टा ई, यहाँ का चार्ज डेल्टा ई, और इनके बीच का स्क्वायर है आर स्क्वायर। इनके बीच में इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, 1/4πε₀। यहाँ का चार्ज इतना है, यहाँ का चार्ज इतना है, और इनके बीच का गैप है आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इनके बीच में काम करने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होगा कि ये प्लस आ गया, प्लस डेल्टा ई आ गया टोटल चार्ज, ये भी प्लस डेल्टा ई आ गया टोटल चार्ज, यानी ओवरऑल चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, ओवरऑल चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस प्लस डेल्टा ई, आंसर डेल्टा ई आया। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, बैलेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास में ये, या मैं ये कह सकता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने दोनों को बराबर क्यों रखा, क्योंकि प्रॉब्लम की लैंग्वेज में साफ साफ कह रखा है कि जो ओवरऑल फोर्स काम कर रहा है वो ज़ीरो काम कर रहा है। और ओवरऑल फोर्स ज़ीरो काम करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। पहले तो ये समझ में, ये बताओ कि ये डेल्टा ई कहाँ से आया, ये समझ में आया या नहीं आया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज इतना, कैंसिल आउट किया इतना आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, प्रोटॉन का चार्ज इतना, कैंसिल आउट हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा इतना, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा इतना, इससे ये कैंसिल आउट, डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, डेल्टा ई स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67×10⁻¹₁। हाइड्रोजन का मास होता है 1.67×10⁻²⁷। मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन होल स्क्वायर हो गया, और 9×10⁻¹ को लेकर जाएंगे इसके अपॉन में, 9×10⁻¹ यहाँ से इसके अपॉन में ले गए। अगर मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया बेटा, अगर मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ से स्क्वायर हटाकर इस पूरे के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, और इस पूरे का अंडर रूट करेंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू मेरी कैलकुलेट हो जाएगी कि भाई डेल्टा ई इतना होने वाला है। जब डेल्टा ई आप निकालें ना बेटा, तो वैल्यूज़ पर आप ध्यान ना दें, सिर्फ पावर पावर पर आप ध्यान दें, क्योंकि आंसर में सिर्फ पावर पर पूछा है आपसे आंसर। इस पर ध्यान ना दें आप, इस पर ध्यान ना दें आप, इस पर ध्यान ना दें आप, सिर्फ इस पर और इस पर, इनके टर्म में आप आंसर निकालें और अपने आंसर को आप मैच करें। सबसे पहले हमने इसका ओवरऑल चार्ज निकाल दिया, फिर हमने इसका ओवरऑल चार्ज निकाल दिया, दोनों के बीच में रिपल्शन काम करेगा इतना, और इस रिपल्शन को बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी। एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास अपॉन उनके बीच का, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, कैंसिल आउट किया डेल्टा ई, हमने कैलकुलेट किया, ये डेल्टा ई हमारा यहाँ से निकल जाएगा पावर के टर्म में,
ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ आई हो बात। आप इस पूरे को कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके आप देखें कि क्या आंसर आपका निकल कर आने वाला है। ओके ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट ये है आपके पास में प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे हम इस प्रॉब्लम को, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, उसके बाद हम प्रॉब्लम को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग अ चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। अब आप ये देखिए बेटा, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू और उनके बीच का गैप है आर। तो तुम में से कोई भी कहेगा कि सर इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी ये 1/4πε0Q×Q/R², ठीक है, बात समझ में आई। अगर यहां से 25% चार्ज हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, 25% चार्ज हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, ध्यान से बिल्कुल भाई, हम ये कहेंगे कि ये 100% है, या आप देखें कि इसका 25% इसका 25% Q/4 बैठेगा। Q का मतलब है 100%, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा बेटा Q/4। अगर मैंने इसके अंदर से Q/4 निकाला तो ये बच गया मेरे पास में 3Q/4, क्यू माइनस क्यू बाय फोर 3Q/4। 25% मैंने कैसे निकाला भाई, Q का मतलब तो 100% है, 25% इसके अंदर से निकाल दिया यानी Q/4 इसके अंदर से निकाल दिया तो 3Q/4 बचा। वो Q/4 मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, माइनस के Q प्लस Q/4, माइनस के Q प्लस Q/4, यहाँ से Q/4 निकाल कर यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया हमारे पास में 3Q/4 और ये आया हमारे पास में माइनस के 3Q/4 और इनके बीच का गैप अभी भी आर ही है। तो देखो बेटा इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, 1/4πε0, एक चार्ज इतना है दूसरा चार्ज इतना है, मल्टीप्लाई करेंगे 9/16 Q²/R², सो F' इज इक्वल टू 9/16 को लिख लेंगे आगे, अंदर बचेगा 1/4πε0 Q²/R² और इसकी जगह हम लिख सकते हैं F, सो F' इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ F, सो करेक्ट आंसर इज C, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है बेटा, ऐसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आप एक बार देख लें, अगर 25% चार्ज मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो Q का 25% Q/4 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता कि 50% चार्ज को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो 50% का मतलब होता इसका आधा यानी Q/2, Q में से Q/2 निकालते तो Q/2 यहाँ बच जाता और Q/2 को उधर ट्रांसफ़र कर देते, उन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो उन दोनों को ऐड करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे बेटा।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम बनाएं, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और बनाएं, हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप जरा ध्यान से, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने बनाना चाहता हूं। सेम क्वेश्चन मेरे पास में, प्रॉब्लम बनी ये, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है मेरे पास में माइनस के टू क्यू, और इनके बीच का गैप है आर। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी ये 1/4πε0 क्यू इंटू टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसका 50% चार्ज, 50% का मतलब है क्यू बाई टू, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, 50% चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो, अगर मैंने यहाँ से क्यू बाई टू निकाल दिया तो ये बच गया क्यू बाई टू मेरे पास में, गैप है आर, और ये क्यू बाई टू यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हो गया माइनस के टू क्यू प्लस क्यू बाई टू। सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आएगा हमारे पास में माइनस के थ्री क्यू बाई टू। तो अब इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू बाई टू, बेटा माइनस नहीं लेना है, कैलकुलेशन में ध्यान रखेगा, 3q/2 अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी बात। एफ डैश इज इक्वल टू ये 3 और ये 2 × 2 = 4, इसे आगे ले लो, ये हो गया 3/4, अंदर बचा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ रही बात, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हमने बनाई थी ये कंडीशन, ये 2 यहाँ से उठाकर इसके अपॉन में ले जाओ, जिससे कि आपके पास में ना ऐसी सिचुएशन बन जाए 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये 2 ऐसी सिचुएशन बनने नहीं दे रहा है जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, तो इस 2 को यहाँ लेगा, यानी ये वाली वैल्यू f बाई 2 की वैल्यू है, तो ये हो गया 3/4 और साथ में हो गया f बाई 2। सो करेक्ट आंसर इज 3f/8, यानी अब जो फोर्स काम करेगा इनके बीच में वो 3f/8 फोर्स काम करेगा, इतना फोर्स इनके बीच में काम करेगा बेटा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ कूलम्स लॉ का काम हमारा हो जाता है फिनिश। मैंने कूलम्स लॉ पर खूब सारे क्वेश्चंस आपको बताएं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई होगी बात। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमने आपके जहाँ आप अपने लेक्चर्स देखते हैं वहीं वीडियो से थोड़ा सा नीचे स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, उस स्टडी मटेरियल में हमने एक मॉड्यूल लगाया हुआ है बेटा, उस मॉड्यूल में, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने 2 टॉपिक आपको फिनिश करा दिए हैं। एक टॉपिक का नाम है चार्ज और एक टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। अब आप एक काम करें, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अपने चार्ज और कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस आप करने स्टार्ट करें। उस मॉड्यूल में इतने सफिशिएंट क्वेश्चन हैं कि आपका बोर्ड, आपका नीट, आपका JEE, आपका JEE एडवांस, आपका KVPY, आपका ओलंपियाड, एवरीथिंग, आपका सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस मैंने वहां डाले हुए हैं बेटा, ठीक है। तो अब हमारी जो कल की क्लास रहेगी वहां हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा। कूलम्स लॉ का टॉपिक ओवरऑल हमारा फिनिश हो गया न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच में अगर 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला जो मुझे बताना पड़ा वो मैं आपको अलग से बताऊंगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपने संडे में टेस्ट दिया और उस टेस्ट में जो जो आपके डाउट निकल कर आए आप मेरे पास में मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे या एप्लीकेशन के चैट ग्रुप में आप सेंड करेंगे, जिससे कि मैं उन डाउट्स के सोल्यूशन आप लोगों को बता सकूं बेटा, ठीक है। तो कल हम कूलम्स लॉ को फिनिश करने वाले हैं और साथ साथ आपके डाउट्स भी बताने वाले हैं, ठीक है। जहाँ भी आप लोगों को परेशानी आई है कूलम्स लॉ में या चार्ज में, वो सब आप कल की क्लास में मुझसे डिस्कस करें, कल मैं आप लोगों के डाउट ही बताऊंगा जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बेटा, और मैं आपके सामने जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास में उन सब के पास मैं ये बुक है PDF फॉर्म में मैं सेंड करने वाला हूँ आपके ग्रुप में। आप इस बुक को साथ साथ ज़रूर सॉल्व करें। जैसे मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ा दिए तो यहाँ कूलम्स लॉ के ऊपर ये 6-7 क्वेश्चन से बेटा ये
8 क्वेश्चन है कुलम्स लॉ के ऊपर जो आज तक नीट में आए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे पूछें। ऐसे ही जेई वालों के ग्रुप के अंदर मैं जेई की बुक पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूंगा, वो अपने जेई की प्रॉब्लम बनाए और जो भी डाउट आए वो मुझसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपके सामने परेशानी या प्रॉब्लम्स आ रही हैं खुलकर हमसे क्लियर करिए बेटा, तभी हम आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएंगे। ओके।